तो स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, मॉनेटरी फिस्कल, और क्या इसमें प्रॉब्लम है लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सारे को सही करने में ये काम आता है। एक दो एग्जांपल देकर के आप दे देते तो बहुत अच्छा। मैंने ऑनलाइन क्लास में एक रिसेशन वाला बताया था फिस्कल पॉलिसीज के अंदर, है ना, कि रिसेशन आता है तो कैसे हमारा जो शिफ्ट होता है फिस्कल पॉलिसीज के कारण हमारा शिफ्ट होता है कब, तो वो एग्जांपल अगर आप यहाँ पे दे देते तो सही रहता कि रिसेशन से लड़ने में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ सेविंग वाला वो हमारा दैट इज एस प्राइवेट प्लस एस गवर्नमेंट माइनस सी इज इक्वल टू आई। मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बता रखा था, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स थी, इंपॉर्टेंट क्लास के डिस्कशन के अंदर मैंने नहीं बता रखा, ठीक है ना। तो जो देख रखा होगा वो उसे मिलेगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डज द ऑन यूनिट इंटेंडेड इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट गेट जीरो, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। कब हमारा वट कब हमारा हाँ इसका मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट कब हमारा जीरो होता है। इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, वैसा इन्वेस्टमेंट जो बचा हुआ हो, जो जितना प्रोडक्शन किया उसमें से सारे का सेल नहीं हो, कुछ अमाउंट बच गया हो, दैट इज इन्वेंटरीज क्रिएट करना। तो कौन से लेवल पे जीरो होगा, तो वैसा लेवल पे जीरो होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम लेवल पे जीरो होगा। तो वही आपको सिर्फ कर्व ड्रॉ कर देना था, चाहे कंजम्पशन फंक्शन, ये हमारा बीच से रेफरेंस लाइन जहां इंटरसेक्ट किया, ये हमारा पॉइंट होगा जहां पर हमारा क्या होगा इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कोई भी इन्वेंटरीज नहीं रखेगा। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर कंसेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्स, मतलब टैक्स के नजरिए से मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करें। टैक्स मल्टीप्लायर है ना, तो आपको क्या टैक्स मल्टीप्लायर यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से टैक्स मल्टीप्लायर का डेरिवेशन भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दे रखा था, है ना, दैट इज डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस सी बाई वन माइनस सी, यही ना। सो दिस इज आवर, यही आपका डेरिवेशन आपको करके बताना था। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द कीनियंस अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी सिंपल आपको एक्सप्लेन करना था कि डिमांड फॉर मनी होता क्या है किनियंस के थ्रू, तो वही किनियंस वही दिए थे डिमांड फॉर मनी के लिए कि वो डाउनवर्ड कर्व होता है, अच्छे तरीके से मैंने बता रखा था जिसने। हाँ जरूर जरूर, लेट नहीं प्लीज, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा था डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं, मोटिव क्या होता है, इनकम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, रिस्क के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, कब हमारा डाउनवर्ड कैसे होता है, इक्वेशन बताया था कि दैट इज के वाई माइनस एच आई, है ना। प्लीज कीप साइलेंस कार्तिक। नेक्स्ट वन, व्हाट डिटरमाइन द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक का डिमांड कौन डिटरमाइन करता है बताइए, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पैसे को डिमांड बताइए, एक था डिमांड फॉर मनी, एक है डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ मनी, सेम थिंग, दोनों सेम क्वेश्चन है, कौन डिटरमाइन करता है बताइए, डिमांड को कौन डिटरमाइंड करता है, तो जो भी फैक्टर है वो डिटरमाइंड करते हैं, लाइक इनकम, लाइक रिस्क, लाइक इंटरेस्ट रेट, कि लोग कितना डिटरमाइंड करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा डिमांड कम होगा, इंटरेस्ट रेट कमेगा डिमांड ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगा डिमांड ज्यादा होगा, इनकम कमेगा डिमांड कम होगा। सो ये आपको फैक्टर बताना था जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे डिटरमाइंड होते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट, हाँ हाँ हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम भी आप बोल सकते हो, सही है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू, एक्सप्लेन। कोई दिक्कत, बता रखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन जो था यही था कि ये आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग ऑफ जीडीपी वाई इनकम अप्रोच। कोई दिक्कत, मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो मैंने 15 क्वेश्चन भेजा था उसमें से क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा, है ना, कि ये। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन वाई द सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड एंड इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप डाउनवर्ड इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम। मैंने ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में कि सेविंग कर्व क्यों अपवर्ड होता है और इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे वो शिफ्ट करता है अपवर्ड डाउनवर्ड, ये हमारा सेविंग कर्व, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कभी इन्वेस्टमेंट कमेगा, कभी सेविंग कर्व इधर शिफ्ट करेगा कभी इधर शिफ्ट करेगा, यही आपको बस इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना था। नेक्स्ट वन इज, सपोज दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस ट्रांसफर पेमेंट बट टू इंक्रीज गवर्नमेंट परचेस, ट्रांसफर पेमेंट को कम किया गया, दैट इज सब्सिडी को कम किया गया, गवर्नमेंट परचेस को बढ़ाया गया, तो बताइए क्या इफेक्ट इसका होगा, और इसका क्या है, ए व्हाट डू एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा।
तो टैक्स हमारा क्या किया, कम, सब्सिडी हमारा कम दिया और हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा ये बराबर, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लायर का इफेक्ट आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का अंदर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होता है देन एनी सब्सिडी लाइक एनी एक्स्ट्रा थिंग, समझ रहे हो? इसलिए अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि ये अच्छी चीज होती है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, तो हमारा अच्छी बात है और सब्सिडी हमारा गलत बात है, दैट्स व्हाई इकोनॉमी में हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कम होगा। नेक्स्ट वन आवर क्वेश्चन नंबर 5, सभी को पता होना चाहिए एमपीसी डिक्रीज होने के कारण कैसे इक्विलिब्रियम लेवल चेंज करता है, सभी को, एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण इक्विलिब्रियम लेवल कैसे चेंज करता है, सभी को पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्न इकॉनमी, यू नो कॉर्न इकॉनमी, हाँ या ना, यस और नो? मैंने बता रखा था ऑफलाइन क्लास के अंदर कि कॉर्न इकॉनमी किसे कहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर मैंने बता रखा था कि कॉर्न इकॉनमी मेरे टाइम पूछा गया, तो हम लोग ऐसे ढूंढते रह गए गूगल पे कर करके कि क्या होता है कॉर्न इकॉनमी, हमारा टाइम ऑनलाइन था थर्ड सेमेस्टर, तो ढूंढते रह गए कॉर्न इकॉनमी क्या होता है, कहीं नहीं मिला, नो यूट्यूब नो गूगल कहीं भी नहीं, फिर रीडिंग के अंदर मात्र 4 लाइन के अंदर दिया है कि कॉर्न इकॉनमी किसे कहते हैं, है ना। कॉर्न इकॉनमी का मतलब होता है कि पैसा लोग कितना सेव कर रहे हैं, कॉर्न मतलब आज कितना कॉर्न आप बचा रहे हैं ताकि कल जाकर के उससे इन्वेस्टमेंट हो, कल आप उस पैसे से जाकर के सेविंग वाले पैसे जाकर के इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज आवर कॉर्न इकॉनमी, ये मैंने बता रखा। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, बजट सरप्लस किसे कहते हैं, मैंने बता रखा था रेवेन्यू, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ज्यादा होगा देन एक्सपेंडिचर, अच्छे तरीके से टैक्सेस हमारा आता है रेवेन्यू के अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा ये आता है। तो मैं अगर आशा करता हूँ इसके अंदर हमारा प्रेडिक्शन कहाँ तक सही रहा, जो मैंने 15 क्वेश्चन भेजा था उसमें से प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी नहीं लिखा था उसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा था, क्वेश्चन 3 इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट का नहीं लिखा था, मल्टीप्लायर लिखा था, फिफ्थ डिमांड फॉर मनी अप्रोच लिखा था, डिटरमाइंड कैसे होता है डिमांड लिखा था, नेक्स्ट वन मेजर इकोनॉमिक्स इशू लिखा था, एस्टिमेट जीडीपी कैसे करते हैं लिखा था, है ना। उसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ नहीं रहा, फिफ्थ आपका है और सिक्स्थ और सेवेंथ आपका है, सेवेंथ है डिफाइंड द मनी मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन हाउ द सर्टेन क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्रेडिट क्रिएशन में लंबा भाषण दिया था, वही लंबा भाषण को यहाँ पे छाप करके आना था, है ना। तो बिल्कुल ये रहा आपका पेपर का एनालिसिस, मतलब 70-80% के आसपास जो लिखा था वो आ ही गया, 3 क्वेश्चन तो हमारा सेक्शन बी से और सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन के आसपास, कौन सा फिफ्थ, ये फिफ्थ, हाँ एक्सप्लेन किनियंस अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी सेक्शन बी, वेट, हाँ एक में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ऑटोनोमस एक्सपोर्ट, उसके कारण ऊपर आएगा, हाँ हाँ, तो दो मतलब एक बार पहला फिगर इंपोर्ट के लिए, दूसरा फिगर हमारा एक्सपोर्ट के लिए, हाँ तो दो दो फिगर यहाँ पे बनाना था हमारा ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, या एक ही में कोई ड्रॉ कर सकता है कि नीचे एक बार ऊपर, तो जैसा, तो एक ही में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दोनों अगर करते तो ज्यादा साफ सुथरा रहता है और पेज भी भरता, ये भी बात। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा बात आता है, एग्जाम तो खत्म हो गया, आप लोगों ने बहुत हेल्प दिया, आप लोगों भी बहुत ट्राई किए, बहुत प्रयास किए, आपसे भी बहुत हेल्प मिला, बहुत अच्छा लगा, खास करके हिमांशी लाइक सौरभ, कार्तिक भैया, आदित्य, ये नाम बुला रहा, प्रीतम, हाँ तो ये सब बहुत हेल्प दिया, प्रिंस तो इरेगुलर, निकिता इरेगुलर, है ना, ये तो बहुत देर के बाद आए, इन्हें पता नहीं था, दैट्स वाई भाई एक आधो क्लास आया था उसके बाद नहीं, तो वो भाई आया था चश्मा जो पहना हुआ है, नाम बुला रहा, उज्जवल, ठीक है ना, तो आपसे बहुत हेल्प मिला और बहुत अच्छा लगा, ऐसा हेल्प मेरे को मेरा सेमेस्टर वाला सेमेस्टर फोर्थ के अंदर दिया था,
ऐसा हेल्प जैसा आप लोगों ने दिया था वैसा ही हेल्प मेरे बैचमेट दिए थे सेमेस्टर फोर्थ के अंदर। मैंने उनको आप लोगों से भी बेहतरीन, मैंने सेमेस्टर फोर्थ के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पढ़ाया था, आप लोगों से भी बेहतरीन, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना था और पढ़ा रहा था सिंपल। तो आपको सेमेस्टर फोर्थ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, टीचर पढ़ाए नहीं पढ़ाए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना, बिकॉज ऑलरेडी सारा लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, सारा नोट्स रिकॉर्डेड है, सारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। तो सिंपली आपको जाकर के देखना है, बस 25 लेक्चर है, 25 लेक्चर कंप्लीट करिए, आपका पूरा सिलेबस रीडिंग के साथ कंप्लीट होगा, है ना। हर आपको लेक्चर्स देख करके रीडिंग करना है, और इस तरीके से, ये इस बार की तरह मत करना भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखा था रहने दिया, कैसे भी पास करना था लास्ट में जल्दी जल्दी में, ये काम मत करना। 25 लेक्चर है, रीडिंग खरीदना जरूर खरीदना, ऐसा नहीं कि रीडिंग में बहुत पैसा 150 रुपये लगेगा खरीद लेना, आराम से लेक्चर वाइज देखो रीडिंग पढ़ो, लेक्चर वाइज देखो रीडिंग पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, लेक्चर रीडिंग अपना नोट्स, ये चीज़। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स लियो ये सोच करके कि मेरा फ्यूचर आगे जाकर के कुछ इकोनॉमिक्स में है, कुछ हेल्प पहुंचाएगा, आप सिंपल यहाँ पर आकर के बैठ जाओगे रहने दो ना कैसे भी पास करते हैं, तो आपका फ्यूचर भी डूबेगा। दैट्स व्हाई अपने इकोनॉमिक्स को बेटर बनाओ, जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ अभी ये टाइम में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, मतलब आपको सेमेस्टर फोर्थ के लिए सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। मैं कोई क्लास नहीं लूंगा सेमेस्टर फोर्थ के अंदर, मैं कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, फिर से अनाउंस कर देता हूँ, बिकॉज आई एम बिजी इन प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एमए के लिए। दैट्स वाई आज के बाद मेरा क्लासेस लेना बंद, घर वाले से भी कह करके आए, भाई से भी कह करके आए, ठीक है ना, क्योंकि सभी कोई कहते हैं कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या दिन भर पढ़ाने में लगे हुए रहते हैं, पढ़ो। मैं कहता है ऐसे मेरे को मन नहीं लगता, ठीक है, तो मेरे को पढ़ा करके ही मन लगता, लेकिन मैं स्थिर से बैठता नहीं, मैं किसी ना किसी को पढ़ाता ही हूँ इसलिए। लेकिन अभी 4-5 महीने के लिए सेमेस्टर फोर्थ के लिए रिकॉर्डिंग बंद, ऑनलाइन क्लास बंद, आपका सारा वीडियो अपलोडेड है तो आपको सारा हेल्प ऑलरेडी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की नहीं। कभी ऑफलाइन मैं क्लास लूँगा, ऑफलाइन जब मैं कॉलेज आऊँगा तब बोलूँगा, तब मैं ऑफलाइन क्लास लेकर के आपको समझा दूंगा जब आऊँगा, ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं। ओके हाँ, बट अब आता है कि मैं बोला था कि कोई बहुत अच्छा वर्क किए, तो वर्क सबसे बेस्ट जो किए हैं वो हिमांशी है। हिमांशी हमारे सेमेस्टर के अंदर एक ऐसी गर्ल्स है, नहीं सही बता रहा, एक ऐसी गर्ल्स है। एक मेरे अंदर ट्रिक है कि कभी भी मैं पढ़ता हूँ तो टीचर का मुंह कम देखता हूँ, कॉपी का मुंह ज़्यादा देखता हूँ, इसका मतलब लिखता मैं ज़्यादा हूँ, टीचर बोल रहा है नहीं बोल रहा है फर्क ना पड़ता, मैं लिखते रहता हूँ ऐसे। टीचर भी कहते हैं क्या यार सौरभ देखो इधर भी, मैं लिखते रहता हूँ, कुछ भी बोलते हैं लिखते रहता हूँ, आदत है, सेम आदत उसको है, और ये बहुत अच्छा है। और वो लगभग सारा ऑफलाइन क्लास भी अटेंड की, लगभग सारा ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की, सारा लेक्चर्स अटेंड की, और बहुत मेहनती है सही में। सो बेस्ट अवार्ड गोज टू हिमांशी गुप्ता, बहुत अच्छा। आइए आइए, ठीक है, नहीं मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं ना, क्योंकि ये काम लगता है कि 8, 9, 10th क्लास में होता था क्या भैया ये, बट 8, 9, 10th में ही हम पढ़ते थे और इसीलिए पढ़ते थे, है ना। बड़े होकर के नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, दैट्स वाई कुछ इंसेंटिव होना चाहिए कि अच्छा करने की ललक होनी चाहिए, दैट्स वाई। नेक्स्ट वन, सिर्फ हमारा हिमांशी बेस्ट नहीं है और भी कोई है, सेकेंड वन इज सौरभ, प्लीज सौरभ आइए, बिकॉज यू टू, बस 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 दिस इज, ठीक है। सो सेकेंड वन इज सौरभ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स बैच के लिए, एक और है, थर्ड वन इज प्रीतम, प्लीज प्रीतम कम। बहुत अच्छा प्रीतम, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा। सौरभ तो थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्टिविटीज में रहता है, इधर उधर में रहता है, बट प्रीतम का मैं बोलता हूँ, ये प्रीतम ऐसा स्टूडेंट है, पहला सर ने भी ये बात बोला था कि नॉर्थ ईस्ट ना होता है यार, हाँ नॉर्थ ईस्ट इंडियन को मैंने देखा है, पहली बार सर ने भी बोला था कि कोई इतना ललक रखता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इसलिए बहुत अच्छा प्रीतम है, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन ब्रदर,
सारा वीडियो देखा, सारा ऑनलाइन क्लास अटेंड किया, बहुत अच्छा यार। अब हमारा एक और गोपी है, गोपी नहीं है, ओके ठीक है, गोपी भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन इज, हम इकोनॉमी सर्वे का मात्र 3 दिन क्लास लिए थे, इकोनॉमी सर्वे जो भी बैच के थे मात्र मैंने 3 दिन क्लास लिया था, और इस उस 3 दिनों के अंदर मैंने बहुत काम किया था, बहुत हेल्प किया था। सो उस 3 दिन का रिकॉर्ड के आधार पर सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो IUC है, वेल डन यार, ठीक है ना, वो 3 दिन के लिए मैं देता हूँ, सिंपल, ठीक है, दिस फॉर यू, ओके। नेक्स्ट वन इज, इकोनॉमी सर्वे में अगेन बोला जो कंसिस्टेंट बिल्कुल है, और हमेशा की तरह इस बार भी मैक्रो में भी इकोनॉमी सर्वे में भी, प्रीतम अपना, प्रीतम फिर से इकोनॉमी सर्वे में बहुत अच्छा किया, वेल डन, वेल डन। एनीवन, जो गोपी का दोस्त है, कोई है गोपी का दोस्त, ओके ठीक है, मैं गोपी से मिल लूंगा। सो दिस इज आवर ओवरऑल लेक्चर्स, कि क्या हमारा था, बैच एंड हुआ इस तरीके से। मैं आपसे मात्र, जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट अगर हमारे क्लासेस के ऊपर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट, ताकि कोई दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो सके, मैं यही चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ग्रोइंग, मैं फिर से कहता हूँ आई एम ग्रोइंग। बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट लगभग 150-200 होंगे, हमारे कॉन्टैक्ट में मात्र 50-60 स्टूडेंट ही आए, वाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो पढ़ना भी चाहते होंगे लेकिन रिसोर्सेज नहीं था, बहुत देर से वो जाने, इसलिए ज़्यादा, ताकि स्टूडेंट को भरोसा हो नहीं कि ये सही है, हमारे प्रीवियस वाले जो है उन्होंने ये काम किया था वो बता रहे हैं सही चीज़ है, इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट है वो अगर हमारे क्लासेस के बारे में फीडबैक अगर देना चाहता है, सो प्लीज़ वेलकम, मात्र 5 से 10 मिनट का है, प्लीज़ वेलकम, जो भी है वो आराम से आकर के फीडबैक दे सकते हैं। एनीवन, एनी सिंगल पर्सन हु वांट टू कम, एनीवन, अरे यार इतना इंग्लिश नहीं बोलना है, अंग्रेजी नहीं बोलना है, ठीक है ना, नहीं वेट भैया, आपने जो पढ़ाया वो समझ में आया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए, बस आप आंसर राइटिंग सिखा दो। क्या सिखा दो? आंसर राइटिंग, कैसे हम आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस का जो आता है पेपर में, बस इतना ही कहना है, बाकी आपका सब कुछ A1 था। आंसर राइटिंग सिखाने के लिए, हाँ जी, आंसर राइटिंग के लिए मैंने नोट्स दे रखा है, मैं अब क्या करूं उसके लिए, मैंने नोट्स दे रखा हूं भैया, एक आध बार क्लास लेके समझा दो हमें कि कैसे लिखना है उसको। अच्छा, कैसे क्वेश्चन को आंसर लिखा जाता है? हाँ जी, अच्छा, कैसे अटेम्प्ट करें हम? अच्छा, 4 सेमेस्टर के अंदर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज होता है, ओके। एनी नेक्स्ट, एनीवन नेक्स्ट, कोई और, रिदम कब, So the most important thing that Bhaiya gave me, the most important thing was that it was not about the preparing for the exams, so it was not about how to answer the questions. For me, the most important thing is understanding the concepts, like reading is not able, like just going through the readings will not help me understand, did not help me understand this concepts, but through Bhaiya's guidance and through the notes of Bhaiya, and I was able to understand. And thank you so much, Bhaiya. Any more? So this is our overall. So इस तरीके से हमारा बैच एंड हुआ, हमारा ऑनलाइन क्लासेस एंड हुआ, हमारा सेमेस्टर एंड हुआ। मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपका कोई जूनियर्स मिलेगा सेमेस्टर 3rd का, तो आप उसे सजेस्ट करना कि क्या है, नहीं है, ताकि उसे भी हेल्प हो सके। सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है, हेल्प पहुँचाना, और कोई मेरा मकसद नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत अच्छा। आप जितना आगे सक्सेस करिए, जितना जल्दी करिए, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, लंबा कम इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप सही जगह पे पहुंच जाइए, मेहनत करिए, फालतू की चीज़ों में मत रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।